नया साल आने वाला है, लेकिन बाजार में महंगाई का बुरा हाल है और इसका सबसे ज़्यादा असर हमारे किचन के बजट पर पड़ता है। त्यौहार या सामान्य दिनों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सरसों तेल के दाम धीरे धीरे आसमान छू रहे हैं। कुछ दिनों पहले जहां सरसों तेल की कीमत 110 रुपये प्रति लीटर हुआ करती थी, लेकिन अब 130 से लेकर 160 रुपये प्रति लीटर तक हो गई है। सरसों तेल के दाम में बढ़ोतरी होने का क्या कारण है, यह जानने के लिए आज हमने सेक्टर 4 के कुछ ऑयल मिल्स का दौरा किया। अभी तेल का रेट क्या चल रहा है? अभी तेल का रेट चल रहा है 160 पर केजी। अच्छा, पहले कितना था? पहले था अराउंड 2 to 3 months पहले था आपका 135 पर केजी। अच्छा, अचानक से इतनी बढ़ोतरी हुई, इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि पीला सरसों जो हम लोग पेरते हैं, मतलब हम लोग जिससे तेल निकालते हैं, वो अभी वो मतलब उसका इस सीज़न में मतलब वो जिसका पैदावार है बहुत कम हुआ था, इसी कारण से अगर जब नया सीजन आएगा शायद तेल का दाम घटने का उम्मीद है। पहले तो 130 रुपये किलो था, अभी 160 रुपये किलो हो गया है। तो इतनी जो बढ़ोतरी, उसका क्या कारण हो सकता है? कारण ये है मैडम कि सरसों नहीं आ रहा है और जो भी आ रहा है रेट बढ़ के आ रहा है, इसी कारण से तेल का दाम बढ़ा हुआ है। ये मैडम लगता है कि आपको मार्च अप्रैल से रेट कुछ कमेगा, कारण कि नया सरसों हो जाता है उसके बाद रेट कम हो जाता है। अभी 160 रुपये लीटर है। और पहले कितना देता है? पहले इससे पहले 150 था, इससे पहले 140 था और उसके पहले 130 था। तो धीरे धीरे ये जो बढ़ोतरी हो रही है, इसका क्या कारण है? ये जो पानी पड़ रहा था उस समय जनवरी फरवरी मार्च में, ये फसल को बर्बाद कर दिया। मेन इसका कारण है, फसल बर्बाद हो जाने से इसका रेट बढ़ गया है सरसों का। अच्छा। सरसों का फसल जो पानी पड़ने से तैयार फसल जो डैमेज हो गया, इस कारण इसका रेट बढ़ गया। ये अप्रैल के समय नया जब फसल आएगा तब इसका रेट फिर डाउन हो जाएगा। ऑयल मिल्स के दुकानदारों से बात करके पता चला कि सरसों की उपज कम होने के कारण इस बार तेल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी बीच हमारी मुलाकात हुई सरसों तेल के एक ग्राहक से, उनका इस विषय पर क्या कहना है आइए जानते हैं। तेल के दाम में जो बढ़ोतरी हो रही है आए दिन, इससे क्या आम आदमी को परेशानी हो रही है? अब तेल महंगा हो रहा है तो परेशानी तो है ही, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा सवाल प्योरिटी का है। आज के समय में तो जैसे अभी आप इस दुकान में सुनी, हमने पूछा तो ये बताया 160 रुपये लीटर, तेल तो काफ़ी महंगा हो गया। और इन दिनों जहाँ तक मुझे लगता है कि साल भर में कई बार वृद्धि हुई, तो इस पर मैं व्यक्तिगत रूप से ही कहना चाहूँगा कि इस पर सरकार का कोई अच्छा एक कंट्रोल होना ज़रूरी है, जिससे कि मुनाफा और उपभोक्ता की ज़रूरत दोनों को ध्यान में रखते हुए मूल्य को नियंत्रण में रखा जाए। इसके लिए व्यापारी और सरकार दोनों इस पर विचार करें। वाकई सरसों तेल के दाम में बढ़ोतरी होने से आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूं ही हम आपको अलग अलग महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।